नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। और आज यानी कि गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ का ये रथ उत्सव 10 दिनों तक खूब धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सैकड़ों साल से लगातार मनाए जाने वाले इस उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से हर बार यहां पर आते हैं। इस बार भी इस महोत्सव में पुरी में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां उड़ीसा में पूरी कर ली गई हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। रथ यात्रा के उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ को रथ पर बिठाया जाता है और पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण को समर्पित हैं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहां भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित होकर सबर जनजाति के देवता बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं भी की। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पुरी में इस समय समारोह जोरों शोरों पर है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को समारोह के समय कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हिंदुओं के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धार्मिक रूप से काफी अहम होती है। इस रथ यात्रा की खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां सबसे खास हैं। सबसे पहले सभी मूर्तियों को रथ में बिठाकर नगर का भ्रमण करवाया जाता है और यात्रा के तीनों रथ ताजी लकड़ियों के बने होते हैं और भक्तगण इन रथों को खींचकर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को नगर भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं और उनके भाई बलराम के रथ में 14, बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर इतिहास में कई मान्यताएं हैं। किंवदंती की माने तो एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की चाह रखते हुए उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बैठाकर उसे पूरा नगर घुमाया, जिसके बाद से यहाँ हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाने लगी। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पदम ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ये रथ यात्रा इतनी भव्य और शानदार होती है कि इसकी विशालता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे और भी बड़ी खबरों को लेकर। नमस्कार।